वाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 370 हटाए जाने को लेकर चल रही थी वो सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है 370 हटाए जाने को लेकर वो सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 16 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर सुनवाई चल रही थी। 370 जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। जो याचिकाएं इसको हटाए जाने के विरोध में दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने का जो फैसला है वो संवैधानिक वैधता उसमें नहीं थी, इसीलिए 370 हटाए जाने को चुनौती दी गई थी। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर जो सुनवाई चल रही थी वो पूरी मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब सुनाएगा फिलहाल उसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं आई है। खबर इस समय की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई है वो पूरी कर ली है और अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल किया जाए और उसका पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को लौटा दिया जाए। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 से जुड़ी अर्जियों को सुना। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल थे। वहीं 370 को बहाल करने के पक्ष में सीनियर वकील कपिल सिब्बल और गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे ने अपनी राय रखी। वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश सालवे, राकेश द्विवेदी, V गिरी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और आर्टिकल 370 को हटाए जाने को फैसले को सही करार दिया। अपनी दलीलें हैं वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी रखी गई और सरकार की तरफ से भी अपनी दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। इन 16 दिनों में सुनवाई के आखिरी दिन एक महत्वपूर्ण जो बात इस खबर में ये है कि सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी जो पक्ष है वो लिखित में कुछ कहना चाहता है अगर तो ऐसा अगले 3 दिन तक किया जा सकता है। ये इस खबर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आखिरी सुनवाई हुई है, आखिरी दिन की जो सुनवाई थी उसमें कहा कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी पक्ष लिखित में अगर कुछ कहना चाहता है तो वो अगले 3 दिन में ऐसा कर सकता है। आपको बता दें कि जो बहस हुई उसमें कई अलग अलग मुद्दे थे। इसमें बात पर चर्चा हुई कि साल 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था उसकी संवैधानिक वैधता थी या नहीं थी। वहीं इस सुनवाई के दौरान कल परसों की जो बात है अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद थे मोहम्मद अकबर लोन, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई। उनको कोर्ट की तरफ से फटकार लगी। दरअसल अकबर लोन पर कश्मीरी पंडितों के संगठन रूट इन कश्मीर ने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, उनसे भारत के प्रति निष्ठा का जो हलफनामा है वो भी मांगा गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया था तब से लेकर आज तक दो तरह के जो विचार हैं, दो तरह के जो नैरेटिव हैं वो सेट हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी सोच जो है वो खत्म हो गई है और आतंकवाद जो है उस पर भी नकेल कसी गई है। इसके साथ ही सरकार का जो पक्ष है उसमें यह दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से यहाँ पर रोजगार के मौके बढ़े हैं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला है, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर में उछाल आया है, टूरिज्म जो टूरिस्ट की जो संख्या है उसमें
बढ़ोतरी हुई है और जो निवेश है वो भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। कई सारे जो औद्योगिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा निवेश किया है। वहीं जो इस 370 हटाए जाने को लेकर जो विरोध कर रहे हैं उसमें कई विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य तौर पर पीडीपी भी इसमें शामिल है और भी कई ऐसे संगठन हैं। इन संगठनों का, इन पार्टियों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को झेलना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में जो जमीन का मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ है। इन पार्टियों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को जमीन दी जा रही है, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए यहाँ पर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। ये आरोप भी एक पक्ष की तरफ से, एक धड़े की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की स्थिति अनुच्छेद 370 को लेकर डामाडोल रही है। कांग्रेस ये साफ नहीं कर पाई है कि वो जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने का विरोध करे या फिर जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने का समर्थन करे। हालांकि वो कई बार इसका जो है विरोध भी कर देती है, लेकिन कई वो कांग्रेस के ही कई नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, वो जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने का समर्थन भी करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के जो पूर्व सदर रियासत हैं और कांग्रेस के पूर्व जो सांसद हैं डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने खुलकर 370 हटाए जाने का समर्थन किया था जम्मू कश्मीर से, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी जो राय है खुले तौर पर या सही से खुलकर वो नहीं रखता है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता 370 हटाए जाने पर बोलने से बचते हैं, लेकिन आज जो फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो पूरी हो गई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सबकी जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी हैं, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है, जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसा होगा। जम्मू कश्मीर जो कि 5 अगस्त 2019 को दो केंद्र शासित राज्यों में वो तब्दील हो गया था, दो केंद्र शासित राज्यों में उसे विभाजित कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की अपनी एक विधानसभा होगी और लद्दाख की जो विधानसभा है वो नहीं है, लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा और जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरी जो बात है चुनाव को लेकर भी है, जो विपक्षी पार्टियां जो 370 हटाए जाने का विरोध कर रही हैं वो चुनाव की भी मांग कर रही हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की, क्योंकि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में एलजी की सरकार है। तो ऐसे में काफ़ी कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले पर टिका होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका भी अपना एक रवैया है, उनको लेकर भी मीडिया में जहाँ सोशल मीडिया को लेकर सोशल बातें हैं, उनके रुख को लेकर कि जम्मू कश्मीर का जो फैसला होगा इसको लेकर उनका रुख क्या होगा, वो सरकार के फेवर में जो फैसला जाएगा या फिर जो याचिका करते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं 370 हटाए जाने का, उनकी फेवर में जो फैसला आएगा। फिलहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तभी पता चलेगा। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।